कंफ्यूजन होती थैंक यू सो मच एंड थैंक यू वेरी मच तो स्पोक जो आपका स्पोकन इंग्लिश है ना उसमें बहुत सारा लीवे होता है हमें हम यूज कर सकते हैं कई बार आप बड़े जज्बाती होते हो आप ये भी कह सकते हो थैंक यू सो वेरी मच है ना बट एज फार एज प्योरिटेनिकल रिटर्न इंग्लिश इज कंसर्न तो उसमें इस बात का हमें ध्यान रखना है कि अगर दैट वाला क्लॉज है तो तो सो आप लगाओ लाइक थैंक यू सो मच दैट यू डिड दिस फेवर टू मी आपको बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मदद की अगर वो दैट वाला क्लॉज नहीं है तो बेहतर है कि आप अपने आप को थैंक यू वेरी मच तक लिमिटेड रखें और वो स्ट्रक्चर ज्यादा अप्रोप्रिएट है मोर अप्रोप्रिएट है थैंक यू वेरी मच इन कंपेरिजन टू थैंक यू सो मच बिकॉज द मोमेंट यू पुट थैंक यू सो मच आपने दैट वाला क्लॉज लगाना चाहिए सो के साथ वो दैट की जोड़ी बनती है प्योरिटैनिकल शुद्ध इंग्लिश की अगर हम बात करें अदरवाइज तो मैंने वही कहा कि थैंक यू सो और वेरी और बोलने में भी कई बार लोग जज्बात उड़ेलते हैं थैंक यू सो वेरी मच सो को इतना लंबा खींचेंगे कि वो आप डिग्री के तौर पर साफ साफ नजर आएगा